नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलर जानकारी चैनल में। आज आपको सिखाएंगे पजामे की कटिंग कैसे करते हैं। वैसे तो पजामा कटिंग करने में कोई विद्या नहीं है, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले से करेंगे तो आपका पजामा कभी भी घूमेगा नहीं। और एक क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा अंदर की जो साइड है मोरी की, वो उठी रहती है पजामे की। मैं प्रस्तुतिकरण के लिए आपको इमेज भी दिखा दूंगा। तो उसका कारण क्या है, वो कटाई में ही इसका सोल्यूशन है, सिलाई में नहीं। तो कटाई इस पजामे की कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये मोरी साइड से बीच से आपकी उठेगी नहीं। तो अब आपको इसकी कटिंग करना सिखाते हैं कि ये कैसे होगा। तो पजामे की एकदम आपकी सही फिटिंग आएगी, पजामा घूमेगा भी नहीं और अंदर की साइड से मोरी भी नहीं उठेगी। तो पजामा बिल्कुल पैंट की तरह फिट आएगा आपका। तो चलिए अब वीडियो की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं अंदर की ये मोरी है साइड की, तो इस प्रकार उठ जाता है ये। तो ये बराबर आना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। तो ये इस प्रकार होता है, और आपको पजामे की मैं मोरी भी दिखा दूँ कि इस प्रकार होता है ये। दोस्तों इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये बाहर वाली होगी और ये अंदर वाली। तो क्या होता है कि कई लोगों का इस प्रकार उठा रहता है ये, और पजामा भी घूम जाता है। तो ये बराबर आना चाहिए, इसका समाधान आपको बताएंगे। ये अंदर की जो साइड है क्यों उठती है। दोस्तों अब पजामे की कटिंग शुरू करते हैं। इस प्रकार ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, और यहाँ पर एक सीध का निशान डालें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लीले मार्क से मैंने कर लिया है। और अब यहाँ से इंची टेप लेंगे, तो इसकी 40 की लंबाई है। वैसे यहाँ पर अलग भी निशान लगा सकते हैं आप, 2 इंच का नेफा और 40 की लंबाई है, तो 40 की यहाँ पर लंबाई ले लें आप। इसमें 4 इंच ऐड करना होता है। वैसे सीधा ऊपर से लेंगे आप यहाँ से, और यहाँ पर तो आप फिर सीधा 44 पर भी निशान लगा सकते हैं ऐसे। और यहाँ से मैंने 40 से नीचे 2 और ले लिया है, तो ये 44 का हमारा हो गया है। ये लंबाई का हमारा निशान हो गया दोस्तों। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब इन्हीं निशानों पर यहाँ पर से ही हमें इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो निकालना है। हम क्या करते हैं कि सीधी कटाई कर लेते हैं इस प्रकार। देखा भाई, यहाँ से हमने सीधा फूटा रखा और इसको सीधा निशान यहाँ पर हम इस प्रकार लगाते हैं। तो इस प्रकार नहीं लगाना हमें निशान, इसको तिरछा काटना हमें। ध्यान रहे ये बाहर की साइड हमारी और ये अंदर की है जो उठ रही है, तो इसे हमें उठने नहीं देना है। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। दिखा भाई, यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच इधर की तरफ फूटे को घुमा दें। एक बार फूटे को पूरे दिखा दें कि किस प्रकार होता है ये, और इस प्रकार यहाँ पर निशान लगाएंगे तिरछा। इस फूटों को इसके बजाय इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार इसको तिरछा कर लेंगे। देख सकते हैं ये निशान हमारा तिरछा गया है। तो ये साइड थोड़ी हमें बदानी है। अब इसकी मोरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ ले करके इसकी जो मोरी है वो 17 की है। अब इसका मोरी का निशान लगाएंगे इस निशान से 1/2 इंच छोड़ करके यहाँ पर, और यहाँ पर 17 ही मोरी है, तो यहाँ पर हमें ये निशान लगा दिया, और यहाँ पर 9 पर लगाएंगे, तो 1/2 इंच ये हो गया हमारा। अब जो मैंने सीधा निशान लगाया था, हम इस प्रकार कटाई करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये तिरछा ले लिया, ये साइड हमारी है जो अब उठेगी नहीं इस प्रकार। आप थोड़ा यहाँ से फट्टी को घुमा करके तिरछा काटें इसको, और अब इसके ऊपर का निशान लगा लेते हैं। इसका नेफे का निशान लगा लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा लूज पजामा है। इसकी बेल्ट देखेंगे, 38 की बेल्ट है, 38 का 4/4 हिस्सा 9.5। इसमें 4 जमा करूँगा, 9.5 और 4 13.5, तो 13.5 का इसका जो है मैं नेफा वो ले रहा हूँ। आप जिस प्रकार ग्राहक मांगे खुला बिड़ा, उस प्रकार आप ले सकते हैं। और अब इसका आसन का निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई को देखते हुए दोस्तों इसका 15 का आसन नीचा लेंगे, वैसे आप नाप ले सकते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर 15 पर ले लेंगे। दोस्तों अगर आपको आसन का निशान नहीं लगाना आता कि लंबाई में कितना लेना, तो जैसे ये टोटल 40 की लंबाई, इसमें 4 ऐड करने के बाद 44 होगा, 44 का 1/3 हिस्सा ले लें, तो यानी कि 14.5 के करीब आता है, तो 1/3 हिस्सा आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आसन का लंबाई का निशान नहीं लगाना आता तो 1/3 हिस्सा ले लें। जमा करने के बाद 1/3 हिस्सा ऑटोमेटिक वो आपका जो आसन है वो सही आ जाएगा। और यहाँ पर इस निशान को सीधा कर लेते हैं, इस प्रकार इसको बिल्कुल सीधा करेंगे, और इसको तिरछा काटेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर साइड वाली फट्टी का यूज करेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे कानी को छोड़ करके,
इसको यहाँ पर रखेंगे, और जो ये निशान लगाया था मैंने 2 इंच पे, इसको यहाँ पर लेंगे और इसको भी अब यहाँ पर मेल देंगे। दोस्तों इसका पट का निशान लगाएंगे, इसकी पट है 22 की पूरी है, इसमें थोड़ा खुला करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, तो 22 की आद 11, 11 में 4 इंच जमा करेंगे तो 15, तो यहाँ पर 15 पे मैं निशान लगा लिया है। और इस निशान को यहाँ पर फट्टी रखेंगे, और जो ये मोरी का निशान लगाया हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार मिला देंगे, देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार कटाई होगी। दोस्तों देख सकते हैं ये सभी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी कटाई करते हैं। कई भाई क्या करते हैं कि ये कानी तो छोड़ देते हैं अलग से, ये तो ठीक है हमें अलग निकालनी होती है, लेकिन जो मोरी का निशान यहाँ से लगाते हैं तो ये फिर तिरछा हो जाता पजामा, इस प्रकार ये घटाना होता है। यहाँ से 2 लिया मैंने, तो मेरे पास कपड़ा टाइम का, इसलिए मैंने 2 लिया। यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं आप पैंट की तरह, या फिर एक बीच में निशान लगता है वो भी आप सीधा लगा सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ से हम मोरी का निशान लेंगे, तो ये पजामा आपका, ये तो हो गया घूमने का, तो यहाँ इतना लेंगे तो घूमेगा नहीं, और ये हमने एक्स्ट्रा बताया है, इसका मतलब है कि अंदर वाली साइड उठेगी नहीं, तो हमारा घूमने का सोल्यूशन यहाँ हो गया, और अंदर की साइड उठ रही थी उसका सोल्यूशन यहाँ पर मैंने कर दिया। तो इस प्रकार आप पजामे की कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब इसको काट लेते हैं। वैसे यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं इस प्रकार, वैसे मैं सीधी गुलाई करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर गुलाई नहीं करने आती तो आप एक गिलास ले सकते हैं, यहाँ पर गिलास रख लें और अच्छी यहाँ पर गुलाई आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने निकाल दिया। अब नीचे मोरी की तरफ अब चलते हैं। दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखें, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मैं चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे, कमीज़ कटिंग, पजामा कटिंग, सिलाई मशीन को घर पर कैसे ठीक करते हैं, काफ़ी कुछ है। आप चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। अब ये कटने के बाद इसको इस प्रकार सरका लेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 फेस निकले हमारे पजामे के। अब 2 यहाँ से निकालेंगे हम। इसको थोड़ा वापिस हटा लेता हूँ, मेरे पास थोड़े ही कपड़े की कमी है। यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 40 का उदाहरण दिया आपको, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा लेनी है मैंने, 41.5 की लंबाई है। दोस्तों इसको इसके ऊपर रख लेते हम, और आसानी से हमारी कटाई जो हो जाएगी। एक बार मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। दोस्तों इस प्रकार इसके ऊपर रख ले, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर थोड़ा हा ये कपड़ा जो बच रहा है ये वैसे काम नहीं आएगा, क्या करेंगे इसके लिए, इसको इस प्रकार पूठा हटा लेंगे। अगर ये 7 का इसका कमीज है, इसलिए यहाँ पर कफ निकल जाएंगे हमारे नीचे का यहाँ से, और यहाँ पर पेस्टिंग जमा लेंगे, इस प्रकार ही कफ है यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। इसको साइड में टालें अगर पजामा के 7 का कमीज है तो, नहीं तो आप यहाँ पर पूरा रख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसकी भी अब कटाई कर लेंगे हम। दोस्तों ये कानी जो है, ये सिस्टम है जो बराबर होना चाहिए यहाँ पर, या जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमारी, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं शुरू में, तो यहाँ पर कितनी बची हुई हमारी, तो 4.25 बची है, यहाँ पर भी 4.25 बचनी चाहिए। तो ये थोड़ा हा इधर की साइड है, तो इसको और इधर ले लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो दोनों फेस है बराबर हो जाएंगे, नहीं तो ये पीछे वाला थोड़ा तिरछा हो जाएगा और ये सीधा। तो इस प्रकार देख सकते हैं अब यहाँ पर जो वो पूरा हमारा 4.25 आ गया है, तो ये बराबर साइड है, इतना यहाँ पर दूर की दूर 1 सार बचना चाहिए, तो दोनों फेस हमारे 1 सार निकल जाएंगे, नहीं तो नीचे वाला जो है फिर घूमेगा हमारा, वही प्रॉब्लम। तो अब इसकी कटाई करते हैं। और आपको क्या करना है कि ये कटाई जो है यहाँ से करनी है आप लोग, मैं बता देता हूँ आपको, मैं तो सीधी कर रहा हूँ, मैं इसकी कटाई बाद में करूँगा, थोड़ी इसकी लंबाई मैंने ज़्यादा लेनी है, तो यहाँ से लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार कटाई कर लें आप। मैंने ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई है, मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, पजामा जो अंदर से उठा रहता है तो वो दिखने बहुत ही भद्दा लगता है, तो वो हमारी कटाई की वजह से होता है।
अगर इस प्रकार कटाई करेंगे तो आपका पजामा कभी भी नहीं घूमेगा और कभी भी उठेगा नहीं अंदर वाली साइड से। तो इसका सलूशन कटाई के अंदर ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारा पजामा कटकर रेडी हो गया। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से परफेक्ट कटिंग पजामे की आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।